भंजाल जिला परिषद वार्ड के जिला पार्षद चैतन्य शर्मा की लोकप्रियता का कोई जवाब नहीं है। आखिर लोकप्रियता हो भी क्यों ना, चैतन्य शर्मा झूठे वादे नहीं करते अपितु जनता को काम करके दिखाते हैं, वो भी कुछ ऐसे काम जिन्हें किसी भी क्षेत्र का कोई भी नेता शायद उसे करवाने में कन्नी काट लेता है। जी हाँ, चैतन्य शर्मा जहाँ अपने स्कॉलरशिप अभियान, उज्ज्वला ग्राम शक्ति अभियान और निशुल्क एम्बुलेंस सेवा के चलते जन जन की जुबान पर चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, वहीं जिला परिषद भंजाल वार्ड की सीमाओं को लांघते हुए पूरे गगरेट विधानसभा क्षेत्र में जन सेवा के कार्य में जुट गए हैं। साथ ही उन्होंने 2022 के चुनावों हेतु अपनी रणभेरी भी फूंक दी है, जिससे विरोधी पक्ष के पसीने छूटना लाजमी है। जी हाँ, चैतन्य शर्मा जहाँ गरीबों को मकान बनाने में ईंट बजरी मुहैया करवा रहे हैं, वहीं जरूरतमंद को मकान के लिए इमारती लकड़ी भी निशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं। सबसे बढ़कर भगवान के घर को साफ सुथरा एवं भव्य बनाने में चैतन्य शर्मा पूरा सहयोग कर रहे हैं, जिसका जीता जाता प्रमाण डंगोह खास मवा कोहला भंजाल के रविदास मंदिर है, जहाँ शेड बनवा कर संगत को सुविधा दी गयी है। चैतन्य शर्मा ने बताया कि चुनावों को तो अभी समय है, लेकिन तब तक उनकी स्वयंसेवी संस्था YSP अर्थात युवा शक्ति पराक्रम समूचे गगरेट विधानसभा के घर घर में दस्तक देते हुए विकास एवं समाज सेवा की परिभाषा बदल देगी, जिसके लिए उन्हें बुजुर्गों का आशीर्वाद एवं युवाओं का प्यार एवं सहयोग मिल रहा है। आप भी देखिए इस अभियान को। नमस्कार जी, मैं कंचन बनेड़ा से हूँ। मुझे मकान बनाने के लिए हेल्प चाहिए थी, तो चैतन्य सर से मैंने बात की तो उन्होंने मुझे ईंटे और सीमेंट की हेल्प की है, तो मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। सर जो गरीब लोगों की हेल्प करते हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबकी हेल्प करते हैं, मजबूर आदमियों की, सभी की, तो बहुत शुक्रिया जी उनका। सर एक रिक्वेस्ट और है, सर लाइट लगवा देना इधर ना, अकेली रहती हूँ मैं, तो अगर लाइट होगी तो। न्याति कुमारी बीपी चलेट, मैंने सर को कितने सर को मैंने बोला था कि एक बार मैंने कॉल की उनको कि मैं छोटे छोटे बच्चों को लेके मैं अकेली सोती हूँ, मेरे घर वाले घर पर नहीं रहते हैं, तो मैंने उनको बोला कि दरवाजों की जरूरत है, तो उन्होंने अपने बोले कोई नहीं आपका काम हो जाएगा। मैंने एक बार कॉल की उनको, तो अब उनके मतलब उन्होंने अपने जो भी है वो भेजे मेरे पास, उन्होंने हमारा मकान दरवाजे वगैरह देखे, बोले नहीं है, फिर आए उन्होंने बोला कोई नहीं लग जाएंगे आपके दरवाजे, फिर हमारे यहाँ पर उन्होंने दरवाजे लगा दिया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जहाँ भी मेरे को बोलेंगे खड़े होने के लिए मैं उनके साथ हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। आज जयंती पर हमने चैतन्य शर्मा को बुलाया था, उस समय हमने इनको जो हमारे इधर शेड की प्रॉब्लम थी, थोड़ी सी जगह खाली थी, उसके लिए हमने शेड बनवाने के लिए कहा था, तो हम उसके जो शेड तो हमारा बन गया, और बनने के बाद हम उनका धन्यवाद ही करते हैं। कब बताया था आपने उनको शेड के लिए? 14 फरवरी। 14 फरवरी 2022, मतलब आज मई में बन गया है। हाँ जी, मई में बन गया। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज हम सतगुरु रविदास मंदिर मवा कोहला में पहुंचे, और जहां पे हमने एक भव्य
शेड रेखा बना हुआ जो कि हमारे जिला पार्षद जनतन्य शर्मा जी की बदौलत ही बना। इससे पहले सतगुरु रविदास मंदिर डंगो खास में, सतगुरु रविदास मंदिर में बहुत ही विशाल शेड बनाया हुआ था, वो भी जनतन्य शर्मा जी के बदौलत ही बना। और अपर बंजाल में सतगुरु रविदास मंदिर के मंदिर निर्माण के लिए 40 क्विंटल सरिया जो था वो भी श्री चैतन्य शर्मा जी की बदौलत वहाँ पे दिया गया। और जो धार्मिक कार्यों में इतने ही अग्रसर होकर काम कर रहे हैं, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ ही बहुत ही एक विशाल कार्य किया जो एक खंडर का रूप ले चुका था अंबेडकर भवन, उस अंबेडकर भवन को इन्होंने एक स्वर्ग बना के आज एक छोटा सा म्यूजियम बना के हमें दिया है। हम चैतन्य शर्मा और बायसपी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम करके हमारे इलाके का विकास किया और हमारे धार्मिक कार्यों में भी अग्रसर होकर काम कर रहे हैं। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और बायसपी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, खास करके हमारे महेश भाई और हर्षित भाई और पूरी उनकी पंकज और सारी ही टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इतना बल बख्शा और बल के ही जरिए हमने जो है ये सारा गगरेट में विकास की जो लहर, नई लहर चली है, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। मैं राजकुमार मावा कोलों तो बोल रहा, श्री चैतन्य देव चैतन्य जी ने मैं रिक्वेस्ट की थी कि साढ़े ना रविदास मंदिर की शेड की प्रॉब्लम हैगी है, इस करके उन्होंने साड़ी सुन ली है और शेड कल कंप्लीट किया गया। मैं उन्होंने बहुत धन्यवाद करता। सर, हम चैतन्य शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने हमारी ये रिक्वेस्ट बड़ी जल्दी पूरी कर दी। हमें एक शेड की ज़रूरत थी यहाँ पे इस मंदिर में, अब ये काफ़ी अच्छा शेड बना दिया उन्होंने। अब यहाँ पे कुछ छोटे मोटे फंक्शन भी अब काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकते हैं, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं चैतन्य शर्मा जी का।